है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं भागलपुर के महर्षि मेही आश्रम के पास, जो कि कुप्पा घाट भागलपुर में है। देख सकते हैं कुछ ऐसा द्वार आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी चलिए इसके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं और अंदर क्या क्या है वो सब आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहें। तो ये जो देख रहे हैं ये महर्षि मेही आश्रम के अंदर का कुछ व्यू दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ा है, तो आप सभी वीडियो में बने रहे, सब चीज दिखाते हैं। दोस्तों आपको तो पीछे का आधा सब दिखा दिया विथ म्यूजिक के साथ। इधर देख रहे हैं, इधर ना महर्षि में ही संत का ना कुछ यादें रखा गया है कि वो कौन से गाड़ी से चलते थे और मतलब क्या उनका मतलब कुछ कुछ सामान उनका याद के तौर पे ऐतिहासिक तौर पे रखा गया है, तो चलिए वो दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो देख रहे हैं गाड़ी, ये है महर्षि मेही गुरु जी का गाड़ी, इसी गाड़ी से वो चलते थे। ये देखिए उनके टाइम का ये गाड़ी था, लगभग 10-15 साल पहले ही महर्षि गुरु जी का निधन हुआ है। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ का ना नज़ारा इतना खतरनाक बनाया गया, इतना अच्छा फील होगा आपको यहाँ पे आके। यहाँ देख सकते हैं एक ब्रिज टाइप का है और नीचे ना पार्क जैसा, देखिए कितना अच्छा आपको पार्क देखने को मिल रहा है। और ये तो अभी आपको हम बताए हैं कि यहाँ महर्षि मेही गुरु जी का जो भी ऐतिहासिक चीज़ है, जैसे गाड़ी रखा गया है, जैसे म्यूजियम तौर म्यूजियम में जैसे कोई भी चीज़ रखा जाता है ना, उसी हिसाब से यहाँ पर भी रखा गया है। दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लोग गुफा देखने के लिए उतरे हैं, तो ये हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं यही है कुप्पा गुफा। यहीं पे बाबा 1 से 1.5 वर्ष तपस्या किए थे, 18 मंथ तपस्या किए थे बाबा यहीं बैठ के, अखंड अखंड उसको अखंड साधना किए थे यहीं पे बाबा।
तो दोस्तों आपको अभी हम दिखाते हैं बैक कैमरे से कि यहाँ पे कितना बड़ा गुफा है। मतलब गेट में तो ताला मरा हुआ है, इतना अच्छे से देख नहीं सकते क्योंकि अंदर जाना बैन है, मना है। तो अभी हम आपको लाइट जरा के दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जर चुका है। यही गुफा है, इसी में बाबा ने 18 मंथ तपस्या किए थे। बंद कर दिया है गुफा को, और गुफा को बंद कर दिया गया है। ये दोस्तों पीछे जो दिख रहा है सदगुरु निवास है, जो कि मतलब महर्षि मेही जी के नाम पे बनाया गया है निवास। और दोस्तों आपको ना जो भी घुमाना था घुमा दिया, मतलब ऐसे वीडियो में बहुत चीज़ दिखाना नामुमकिन है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ है यहाँ पे देखने के लिए, घूमने के लिए। तो वीडियो में जितना हमसे हो पाया उतना दिखाए। और ये देखिए पीछे का कुछ व्यू नज़ारा देख लीजिए, ये कैसा है, काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए।